सो मुझे बहुत सारा सामान लेना था अपने नए फ्लैट के लिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सारी शॉपिंग बंजारा मार्केट से करूँगी। यहाँ पे बहुत ही क्वालिटी का सामान आपको मिल जाता है, वो भी बहुत कम प्राइस में। सो मुझे टोटल 3 दिन लग गए थे 2 मार्केट घूमने में, नई और पुरानी। एंड इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डिफरेंस बता दूँगी और प्राइजेस में डिफरेंस क्या है और कौन सी मार्केट ज़्यादा अच्छी है। सो वीडियो को एंड तक देखें। हमने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की है उस वाली बंजारा मार्केट में जाके। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मेरी बैकग्राउंड थोड़ी सी अलग है बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम पहले बताया था कि मैं बंजारा मार्केट का प्रॉपर ऐसे वीडियो बनाऊंगी। सो आज मैं वहाँ पे हूँ। ये उसका वो पुराना वाला एडिशन है जहाँ पे सारा सामान होता था। अभी हम जाएंगे न्यू वन में भी, बट सारे कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ है। सो हम पहले यहाँ सर्वे करेंगे कि क्या क्या पुराने बंजारा मार्केट में है, उसके बाद क्या क्या नए वाले में। आज मैं आपको सारा दिखाऊंगी, बट पहले हम जूस पियेंगे एंड उसके बाद चलते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के फेमस मिरर की, जो हमें 2200 में इसका फ्रेम मिल जाएगा, और अगर आपने मिरर भी लेना है तो 3500 में मैक्स में पूरा मिरर मिल जाएगा। फिर हमने सबसे पहले लिया था पॉट, जो कि हमें सिर्फ 100 रुपीज़ का पड़ा था। यस, फिर हम गए थे कारपेट देखने, जो कि इतना बड़ा कारपेट था एंड इसका ये चार्ज कर रहे थे पहले 9000 रुपीज़, बट हमें बहुत पसंद आया, हमने सिर्फ 3500 में कारपेट लिया है। ऐसा डेकोरेशन पीस आपको 300 रुपीज़ में सिर्फ यहाँ मिल जाएगा, और ऐसे ट्रॉलीज़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे अवेलेबल हैं। देन ये वाले पॉट मुझे बहुत पसंद आए थे, ये उन्होंने 300 रुपीज़ के 2 पॉट दिए थे हमें, मतलब 150 का ईच, बट आपको देख के लेना पड़ेगा, कई टूटे हुए थे, बहुत ज़्यादा डस्टी थे, बट वो चेक कर लेना एक बार बाय करने से पहले। और इन दोनों के बीच में जो है, ये वाला पॉट मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ में पड़ा था। जसमीत को काफ़ी कुछ यहाँ पे पसंद आया, बट आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेन करना पड़ेगा इनसे। हमने कुछ चीज़ें ली थी जो कि हमें 500 रुपीज़ में पड़ी, और अगर आप बाथरूम के लिए कुछ ऐसे चीज़ सोप डिस्पेंसर देख रहे हो, ब्रश स्टैंड या सोप डिस्क का सेट, ये आपको सिर्फ 400 रुपीज़ में प्रॉपर सेट मिलेगा। मुझे पूरा घर सेट करना है इसलिए मुझे फर्नीचर भी देखना था, तो ऐसी ट्रॉलीज़ वगैरह काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको यहाँ मिल जाएगी अराउंड 3 to 5000 के बीच बीच में। सो आप वो भी यहाँ से बाय कर सकते हो, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। देन हमने कुछ मैट लेने थे और, एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा, समथिंग लाइक पपीज़ जिसे कहते हैं, ये 1000 रुपीज़ के मुझे सेट मिला है, बहुत ही अच्छा था। देन ये टॉयलेट मैट था जो कि 100 रुपीज़ में बहुत हाई क्वालिटी का था। ऐसे आपको कुछ लैम्प्स भी मिल जाएंगे 150 रुपीज़ का ईच। सो आज हम आए हैं नई वाली बंजारा मार्केट में, जो कि है 62 सेक्टर गुरुग्राम में। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी मार्केट है, यहाँ की क्वालिटी भी थोड़ी हाई है उससे ज़्यादा। यहाँ पे मिरर भी आपको बहुत अलग मिलेंगे, जो कि 4000 का था। ये वाले पॉट्स की क्वालिटी भी A1 थी, ये मुझे 1100 में मिला है, जो कि 2500 बोला था। यहाँ पे 150 से पॉट स्टार्ट हो जाएंगे। हमने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की है उस वाली बंजारा मार्केट में जाके, बट ये है एड्रेस, मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, 62 सेक्टर है आई गेस, और यहाँ पे सब कुछ नया है। एक मुझे ये सेंटर टेबल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस था, ये आपको 5500 में ऐसा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा बार्गेन करना पड़ेगा बिकॉज बहुत हाई प्राइस बता दें, जैसे इसका इन्होंने 10000 बताया था, मैंने जस्ट 4500 पे किया इस ट्रॉली के लिए। देन बहुत कुछ है, बट आपको सब कुछ अपने इंटीरियर के हिसाब से लेना पड़ेगा, कुछ लाइट में कुछ डार्क में, सो इट्स टोटली अप टू यू। ये वॉल डेकोर है जो कि अराउंड 500 से स्टार्ट हो जाएगी 1000 and 1500 तक। फर्नीचर में तो हद से ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पर, बट अगेन आपको अपने इंटीरियर के हिसाब से लेना पड़ेगा। ये मिरर मुझे बहुत पसंद था, ये इन्होंने लास्ट मुझे 3300 में फिक्स कर दिया था। देन ये वाली ट्रॉलीज़ यहाँ पे बहुत अमेजिंग है, ट्रेज़ अगर आपने लेनी है तो आपको 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाएगी डिफरेंट डिज़ाइंस। ट्रॉलीज़ में मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि इतनी अमेजिंग थी, बट आपको बस थोड़ी चेक करके ट्रॉली लेनी पड़ेगी कि कौन सी कैसी मिलेगी। और अगर आपको हैवी सामान गाड़ी तक छुड़वाना है तो आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन पे करना पड़ेगा, वो जिस शॉप से आपने सामान लिया है उसी शॉप से आप बात कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में सामान नहीं आ रहा तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विस भी अवेलेबल है, बट वो शॉपकीपर से बात कर लेना। देन ऐसे पॉट्स के लिए मैंने पे किया था 350 ईच, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, ऐसे टेबल्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल थे। और अगर आप अपने घर के लिए बेड देख रहे हो तो अराउंड 12000 रुपीज़ में आपको अच्छा खासा बेड मिल जाएगा। डेकोरेशन के सामान की तो कोई हद नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही ज़्यादा हाई एंड चीज़ें जो मॉल में मिलती हैं वो सब यहाँ पे आपको अच्छे खासे प्राइस में मिल जाएगी, बट वो आपको अपने स्टाइल से बार्गेन करना पड़ेगा, सीधा 50% ऑफ पे आके देख लेना। देन यहाँ पे बहुत ही कुछ चलते चलते देखने को मिलता है, कप्स वगैरह। आज मैं आई हूँ मॉम के साथ, हम हर रोज आना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान है हमारा जो लेने वाला है। तो मम्मी, आज वाली बंजारा मार्केट कैसी लग रही है ना, ये बहुत बड़ी है ना उससे? मम्मी की आवाज़ इतनी स्लो निकल रही, मम्मी कह रही हाँ बहुत बड़ी है, एक्चुअली ये मार्केट बहुत बड़ी है। आज हम जसमीत को नहीं लाए, बट लेट्स सी आज हमें क्या क्या मिलता है।
बहुत ही प्यारा ये रोज़ गोल्ड कलर का कैंडल स्टैंड था जो कि 1500 में मिल जाएगा। डेकोरेशन का सामान यहाँ पे अलग अलग कलर टाइप में जैसा आपको आपके इंटीरियर के हिसाब से चाहिए। ये गोल्डन लैम्प बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रहा था और इस स्लीव के लिए मैंने सिर्फ 300 रुपीज़ पे किया था। एंड देन ये गोल्डन पॉट जो कि मुझे अराउंड 800 रुपीज़ में पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था। डेकोरेशन के सामान की यहाँ पे कोई कमी नहीं थी। कैंडल स्टैंड, ओ माय गॉड, बहुत ही क्लासी पीस। ये 1500 और 2000 रुपीज़ के प्राइस बता रहा था। ये शॉपकीपर एक ऐसा शॉपकीपर था जो प्राइस बिल्कुल भी कम नहीं कर रहा था। आई रियली डोंट नो वाई, बट इसकी शॉप में सब कुछ बहुत अच्छा था। ये वाली कैंडल्स 800 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी, बट मुझे वर्थ नहीं लगा बिकॉज कहीं से कलर ऑफ था इसका। देन यहाँ पे लैम्प्स बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे, 500 से स्टार्ट हो जाएंगे। देन जस्मीत जैसे ही बंजारा में एंटर हुए यहाँ पे लाइट चलेगी, बट हमारी शॉपिंग ऑफ नहीं हुई, हमने टॉर्च ऑन की एंड प्रॉपर फिर शॉपिंग स्टार्ट कर दी। और इन बिटवीन हमारी नज़र पड़ी है बहुत ही अमेजिंग चीज़ पे जो कि है ये हमने बेसिकली लिया है अपने रूम के लिए जो कि हमें 5000 रुपीज़ में मिला है। मम्मी चा सते बहुत सारे टाइप दे डॉग्स वास्ते स्पेशल। मम्मा यार आई मिस जीजी, अगर होंदी ते आना एदा वा इथे जब डॉग्स लिए उत्ते अलमारी बनी हुई है जिथे उन्हां दा फूड स्टोर कर सकदे हो। बहुत ही प्रिटी सी ये वाला स्टैंड। बेसिकली मैं किचन के लिए देख रही थी जो कि मुझे 1000 रुपीज़ में मिला है, बहुत ही ज़्यादा हैवी क्वालिटी में है। देन ऐसी क्रॉकरीज आपको 100 रुपीज़ से स्टार्ट होके 500 तक मिल जाएगी। डेकोरेशन का स्टफ़ बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। ये अचार रखने के लिए हमें सिर्फ 200 रुपीज़ में मिला, जसमीत को बहुत पसंद था। अब ये कुछ चीज़ें जो कि मेरे घर के हिसाब से बहुत बड़ी हैं, बट आपको अगर चाहिए तो ये भी अब बंजारा में अवेलेबल है। पहले ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर मिलता था, बट अब ये चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। बहुत ही क्लासी वॉच आपको मिल जाएगी अंडर 2000 रुपीज़ में, आपको बहुत अमेजिंग और बहुत बड़ी वॉच मिल जाएगी। वैसे ये स्टार्टिंग आई गेस फ्रॉम 800 है, सो डेफिनेटली ट्राई दिस। हम बस एग्ज़िट कर ही रहे थे तो ये बहुत ही प्यारे से क्यूट से अंकल ने हमें कहा कि मुझसे भी कुछ ले जाओ। तो यहाँ से हमने लिए थे 2 कप जो कि हमें 100 रुपीज़ ईच मिले हैं। सो आई होप आपको अभी तक सारा समझ आ गया कि बंजारा मार्केट है कैसी। और मैंने बहुत बहुत कुछ गाइस बजट में प्रॉपर घर सेट करने के लिए मटीरियल सब कुछ ले लिया है। नेक्स्ट वीडियो आपको हॉल वीडियो मिलेगी जहाँ पे मैंने बंजारा से क्या क्या लिया है, कितने प्राइस में लिया है, वो सब मैं उसमें कवर करूंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर हल्की सी हेल्पफुल लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और इस वीडियो को शेयर करना जो अपना घर सेट करना चाहते हैं या बंजारा मार्केट पसंद है। आई एम सो सॉरी बैक नॉइस के लिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू गाइस टेक केयर, लव यू, बाय बाय।